हेलो फ्रेंड्स अलायलन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस की कैलकुलस के अंदर अगर लिमिट की बात नहीं की तो क्या की तो वेक्टर कैलकुलस में भी जरूरी हो जाता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना उसी की शुरुआत हम करते हैं लिमिट से तो अगर आपको याद होगा एफ एक्स कोई मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और मैं बोलता हूँ लिमिट ऑफ एफ एक्स वैन एक्स अप्रोच टू इज एल इसका कहने का क्या मतलब है जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा ये फंक्शन एफ एक्स एल को अप्रोच करेगा तो ये सब आपने अच्छे से समझा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए इसमें आपने ये भी देखा था हम एक्स को दो साइड से अप्रोच करा सकते थे एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड ऑफ ए राइट साइड ऑफ ए और जब वे दोनों लिमिट इक्वल आती थी तब हम बोलते थे लिमिट ऑफ एफेक्ट्स एग्जिस्ट तो फ्रेंड्स ये जो लिमिट एग्जिस्ट करने का कॉन्सेप्ट है या किसी फंक्शन की किसी एक नंबर को लिमिट बोलने का कॉन्सेप्ट है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम वेक्टर फंक्शंस पर डिफाइन करेंगे तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूं एक वेक्टर फंक्शन एफ टी ये अप्रोच करेगा एल को एज टी अप्रोचेस टू ए टी क्या है मेरा टी एक रियल नंबर है तो टी एक रियल नंबर पे अप्रोच कर रहा है ए पे और जैसे जैसे ये टी ए पे अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ये वेक्टर फंक्शन एक वेक्टर पर अप्रोच कर रहा है तो यहां पर मेरा वेक्टर है वेक्टर एल तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ टी वेन टी अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू वैक्टर एल वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज टू पोजिशन वैक्टर एफ टी एंड वेक्टर एल विद देयर इनिशियल पॉइंट एट ऑरिजिन देखिए स्केलर में तो आपको सब समझ में आता होगा अब कोशिश करते हैं वेक्टर में समझने की हमारे पास एक तरीका क्या है हम ये मान के चलते हैं कि एफ टी और एल इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन है यानी कि ओ से स्टार्ट होंगे और हम इनकी लिमिट को इंटरप्रेट कर सकते हैं इनके टर्मिनल पॉइंट से देखिए कैसे करेंगे हम मान लीजिए ये मेरे पास कोई कर्व है जो फंक्शन एफ टी ट्रेस करता है तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पर एक वेक्टर होगा हर पॉइंट के लिए मुझे एक वेक्टर एफ टी मिल जाएगा लेट से टी इक्वल टू जीरो पर हमारे पास ये वेक्टर था फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास ये वेक्टर मिला टी की कोई वैल्यू टी इक्वल टू वन पे फिर थोड़ी देर बाद लेट से टी इक्वल टू टू पे ये वेक्टर मिला और ऐसे करते करते ये पूरी कर्व ट्रेस हो गई सो दिस इज अवर एफ टी और यहां पर कोई हमारे पास वेक्टर एल है दिस इज अवर वेक्टर एल येलो कलर में जो है तो बेसिकली यहां पे हमने क्या एजम्पन लिया है हमने ये मान लिया है वेक्टर एल और एफ टी इनका इनिशियल पॉइंट सेम है ओरिजिन अब देखिए एफ टी को एल पे अप्रोच करने को मैं कैसे समझ सकता हूं बेसिकली क्या है जैसे जैसे टी ए पर अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ये वेक्टर एफ टी जो है ये इसका टर्मिनल पॉइंट यानी दिस पॉइंट ये एल के टर्मिनल पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्मिनल पॉइंट ऑफ एफ टी अप्रोच इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ एल एज टी अप्रोच टू ए और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर एफ टी जो है वो अप्रोच कर रहा है वैक्टर एल को इन बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन एज टी अप्रोचेस टू ए क्योंकि यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं वैक्टर की लेंथ दिस एंड दिस डायरेक्शन तो दोनों ही सेम होना चाहिए जैसे जैसे टी ए को अप्रोच करेगा वैसे वैसे, वैसे वैक्टर एफ टी लेंथ और डायरेक्शन में एल को अप्रोच करेगा आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता हूं मैं जैसे वहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था वैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं एल के राइट right और लेफ्ट दोनों में एफ टी वैक्टर है तो यानी कि टी अप्रोचेज टू ए फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों साइड से हमें देखना होगा तो चलिए अब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन की इफ एफ टी इज इक्वल टू एफ वन आई प्लस एफ टू जे एफ वन टी आई प्लस एफ टू टू जे प्लस एफ थ्री टी के इज अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन देन लिमिट ऑफ एफ टी एज approaches to A is limit T approaches to A FT is equal to limit T approaches to A F one T I plus limit T approaches to A F two T J plus limit T approaches to A F three T K

लिमिट ऑफ एफ वन टी एस टी अप्रोचेज टू ए आई प्लस लिमिट ऑफ एफ टू टी एस टी अप्रोचेज टू ए जे प्लस लिमिट ऑफ एफ थ्री टी एस टी अप्रोचेज टू ए के बेसिकली हमें कंपोनेंट वाइज लिमिट निकालनी है तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब ये तीनों कंपोनेंट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो इन तीनों से मिलकर एक वैक्टर बन जाएगा और वो पोजिशन वैक्टर इस लिमिट के इक्वल होगा so, सो वी हैव रिटर्न दिस कंडीशन प्रोवाइडेड द लिमिट्स ऑफ कंपोनेंट फंक्शन एग्जिस्ट आप इसको कन्वर्सली भी देख सकते हैं अगर मैं बोलता हूं लिमिट ऑफ एफ टी एग्जिस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ जो कंपोनेंट वाइज लिमिट है इन तीनों फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ए मेरा कोई एक रियल नंबर भी हो सकता है और प्लस इनफिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वो भी हो सकता है सो हेयर यू कैन राइट वेयर ए इज एनी नंबर और प्लस माइनस इनफिनिटी तो ये तो हुई डेफिनेशन चलिए लिमिट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फाइंड लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एफ टी वे टी अप्रोचेस टू टू वेयर दिस वेक्टर फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय टी स्क् माइनस थ्री आई प्लस ई रेस टू दी जे प्लस साइन पाई टी के तो एफ टी मेरा इस तरीके से डिफाइंड है और मुझे ये लिमिट निकालना है सो दिस लिमिट विल बी वॉट कंपोनेंट वाइज लिमिट निकाल दीजिए यानी कि मुझे इस लिमिट को कैलकुलेट करना होगा टी स्क्वायर माइनस थ्री ऐसे ही ई रेस टू दार टी इसकी लिमिट को कैलकुलेट करना होगा प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू टू साइन पाई टी ये लिमिट निकालनी होगी तो देखिए जैसे ही टी टू को अप्रोच करेगा ये वन को अप्रोच करने लगेगा सो दिस लिमिट विल बी वन आई प्लस जैसे ही टी टू को अप्रोच करेगा ई रेस टू दार्ट टी ई रेस टू दार्ट टू को अप्रोच करेगा और ऐसे ही साइन पाई टी साइन टू पाई को अप्रोच करेगा साइन टू पाई जीरो होता है सो वी विल हैव आई प्लस ई रेस टू दार टू जे दिस इज अवर लिमिट टी टेंड्स टू टू एफ टी इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप इनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं फाइंड दिस लिमिट टी अप्रोचेस टू वन मैं डायरेक्ट वेक्टर फंक्शन लिख देता हूँ टू टी आई माइनस थ्री जे प्लस ई रेस टू दार्ट टी के आप चाहें तो इसे एफ टी लिख के और फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू वन एफ टी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू वन थ्री टी आई प्लस ई रेस टू द पार्ट टू टी जे प्लस साइन पाई टी के दिस इज अनदर क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी आई माइनस टी के होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को कीजिए और कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएं थैंक यू फॉर वॉचिंग